द कश्मीर फाइल्स को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों ने काफी सराहा। फिल्म बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। नेता हो या अभिनेता, लगभग हर कोई फिल्म के बारे में अपनी राय पेश कर रहा है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को फिल्म के पर्दे पर जिस तरह दिखाया, उसने लोगों के मन और दिल को झंझोर कर रख दिया। हालांकि कुछ लोगों ने फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। एक्टर आदिल हुसैन उन लोगों की जमात में शामिल हैं जिन्होंने फिल्म के जरिए सच को दिखाने के ढंग पर सवाल उठाए। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया, जिससे विवाद पैदा हो गया। उन्होंने फिल्म को लेकर ट्वीट में लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि सच कहना चाहिए, पर नरमी के साथ पेश करना चाहिए, वरना सच कहने के मकसद की खूबसूरती खो जाती है। आदिल हुसैन ट्वीट में आगे लिखते हैं, ऐसा होने पर असर अच्छा होने के बजाय बुरा होता है। ये पक्का है कि समाज को भड़काना नहीं चाहते, बल्कि एक जिम्मेदार समाज का निर्माण करना चाहते हैं। कला को रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। आदिल का यह ट्वीट कई लोगों को रास नहीं आया। वो उनके ट्वीट को रीट्वीट कर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। नेटिजेंस आदिल को जवाब दे रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर आदिल के ट्वीट के जवाब में लिखता है, जो तकलीफ दी गई क्या वो नर्म थी? फिर इसे कहने का ढंग कोई दूसरा क्यों होना चाहिए? फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो सच का सिर्फ एक अंश है। सच 32 सालों से दफन था। एक अन्य यूजर लिखता है, सत्य को कैसे भी कहा जाए वो कड़वा और कठोर ही होता है। कई यूजर्स आदिल को सच में रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुई घटना का वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग होली त्योहार पर नाच गा रहे लोगों पर पत्थर बरसाते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि कश्मीर फाइल्स में साल 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अब तक 141 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।